के श्रीकृष्ण जन्माष्टमी मनाए जाने को लेकर कांग्रेस के विरोध पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने पलटवार किया। उन्होंने कांग्रेस के शिक्षा के भगवाकरण के आरोप पर कहा, भगवान कृष्ण 5000 साल पहले शिक्षा का महत्व उन्होंने बताया था। भगवान कृष्ण की दोस्ती, उनकी शिक्षा, उनकी शक्ति, उनका पराक्रम लोगों को पता चल रहा है, तो कांग्रेस को फिर दिक्कत क्या है? तो शिक्षा की महत्ता उनने 5000 सेले भी पहले भी बताई, इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा? गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण धाम पे जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती स्थापित हुई, भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, ये उनकी वीरता का प्रतीक अगर यहाँ स्थान है तो इसको अगर सबके सामने लाते तो गलत क्या है? इसी प्रकार से भगवान ने विनम्रता से, श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र जाना पाव में प्राप्त किया, तो ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर अगर उनको इन स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे, हम मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? आपका नाम श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, इसलिए मेरा कहना, हमारा कहना, मथुरा में अगर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी ये धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा। मध्य प्रदेश में जन्माष्टमी मनाए जाने की सरकार की घोषणा पर राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस के विधायक आरिफ मसूद ने जन्माष्टमी मनाए जाने को लेकर सवाल खड़े किए, कहा कि एक तरफ सरकार कृष्ण जन्माष्टमी मनाने जा रही है तो दूसरी तरफ मदरसों पर सवाल उठा रही है, देश संविधान से चलेगा? आरिफ मसूद के सवाल पर बीजेपी विधायक रामेश्वर शर्मा ने पलटवार किया, कहा कि ये देश भगवान राम और भगवान कृष्ण का है। मैं समझ ही नहीं पा रहा कि ये सरकार शिक्षण संस्थानों को क्यों बर्बाद करने पे लगी है। शिक्षण संस्थाएं केवल पढ़ाई के लिए, एक अच्छे एटमॉस्फेयर के लिए होती हैं, धार्मिक आयोजन के लिए अवकाश रहता है, सारे लोग हिंदू मुस्लिम जिसको जिस तरह मनाना होता है मनाते हैं। हमने अभी राखी हमारी बहनें आई मानने, जन्माष्टमी के कई आयोजन में हम भी जाते हैं, लेकिन आप शिक्षण केंद्र में अनिवार्य करते हो, फिर एक तरफ आप मदरसों के ऊपर उंगली उठाते हो, तो किस तरह ले जाना चाह रहे हो? तो ये देश संविधान से चलेगा और इसीलिए संविधान बहुत अच्छा है जिसको सबने एक्सेप्ट करा, संविधान से चला, गोडसे की विचारधारा से नहीं चला। देखिए, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने, डॉक्टर मोहन यादव जी के नेतृत्व में मध्य प्रदेश सरकार ने, हमने निर्णय लिया है कि भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी पूरा प्रदेश में धूमधाम से मनाई जाएगी। जिनको भी जन्माष्टमी मनाने से आपत्ति है, आरिफ मसूद या कांग्रेस के अन्य नेताओं को, तो उनको कान खोल कर सुन लें, ये भारत का पर्व है। जन्माष्टमी से आपत्ति कांग्रेस को क्यों होने लगी? और जन्माष्टमी के बदले में ईद मनाना, तो ईद मनाने के लिए कांग्रेस है ना, ईद मनाए, कौन ने मना की है? पर हम जन्माष्टमी मनाएंगे, मटकी फोड़ प्रतियोगिता भी करेंगे, मंदिर मंदिर जाएंगे, भगवान के दर्शन भी करेंगे, क्योंकि लीला पुरुषोत्तम है भगवान कृष्ण, उनकी लीलाओं पर हिंदुस्तान चल रहा है। छतरपुर पथराव कांड में मुख्य आरोपी ने वीडियो जारी कर सफाई दी है। आरोपी शहजाद हाजी ने घटना को साजिश करा दिया, साथ ही सीएम से निष्पक्ष जांच की मांग की है। पत्थरबाजी की घटना के लिए शहजाद हाजी ने असामाजिक तत्वों को जिम्मेदार ठहराया। इसमें तो किसी की साजिश है कि जिसने इस तरीके की घटना को अंजाम दिया, क्योंकि जब टीआई साहब और पुलिस फोर्स आवाम को रोक रही थी, आवाम अंदर आने की कोशिश कर रही थी, तो दोनों में झड़प हुई, इनने लाठीचार्ज किया, तो किसी असामाजिक तत्व द्वारा वहां से पत्थरबाजी होने लगी। तो हम अपने मुख्यमंत्री जी से ये गुजारिश करेंगे कि आपके पास सच्चाई नहीं पहुंची, और जो हमारी पुलिस प्रशासन है इसको भी गुमराह कर दिया गया मेरे बारे में। उनके सामने जब से DIG साहब पहले यहाँ SP भी रहे, तब भी उनके साथ हम लोगों ने मिलकर काम किया, कभी भी ऐसी घटना को कभी भी अंजाम किसी ने नहीं दिया। ये कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा ये घटना कराई गई है, जिसकी मैं चाहता हूँ प्रशासन से भी कि इसकी निष्पक्ष जांच करें, और मुख्यमंत्री जी से भी मैं ये गुजारिश कर रहा हूँ कि आप इस चीज की पुनः जांच करवाएं, तो जो इसमें उपद्रवी हैं वो अपने आप मिल जाएंगे, क्योंकि जो लोग गए थे वो उपद्रवी नहीं थे। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन पर मध्य प्रदेश की राजनीति गर्मा गई है। कांग्रेस इस कार्रवाई पर सवाल उठा रही है, तो वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने कांग्रेस पर पलटवार किया है। पूर्व मंत्री और कांग्रेस के वरिष्ठ नेता PC शर्मा ने कहा कि पथराव करने वालों का घर गिराना कहां का न्याय है, पुलिस को इस तरह की कार्रवाई का अधिकार नहीं है। थाने पर पथराव हुआ था तो कार्रवाई होनी चाहिए, लेकिन किसी का मकान गिरा देना
किसी कानून में नहीं लिखा है। दूसरी तरफ कांग्रेस के आरोपों पर बीजेपी ने पलटवार किया है। किसी ने पत्थरबाजी की हो या कानून को हाथ में लिया हो तो उसके मकान ढा दें, उसकी प्रक्रिया है, उनको उन पर केस चले, FIR हो, जेल भेजा जाए और फिर कोर्ट में से मामले आते हैं। तो उत्तर प्रदेश से लेके सभी जगह जो एक शुरू हुआ है, खासतौर से माइनॉरिटी वर्ग के खिलाफ, मैं समझता हूँ कि ये कहीं ना कहीं बाबा साहब अम्बेडकर के संविधान पे हमला है, अटैक है। उनको इस बात का समझ लेना चाहिए कि संविधान की रक्षा की जवाबदारी हम सबकी है। थाने में जब घुसकर लोग आगजनी करें, पुलिस वालों के साथ मारपीट करें, गुंडागिर्दी करें और फिर बाद में उनको बिरयानी खिलाएं, तो ये चरित्र कांग्रेस का हो सकता है, भारतीय जनता पार्टी और मोहन यादव की सरकार का नहीं हो सकता। थाने में लोग सुरक्षा के लिए जाते हैं, ना कि थाना जलाने के लिए जाते हैं। थाना जलाने के लिए अगर गए तो वो आतंकी उत्पाती हैं, आतंकवादी हैं और इस तरह के वो असामाजिक और प्रदेश को जलाने वाले लोग हैं। ऐसे लोगों को संरक्षक कांग्रेस के लोग दे सकते हैं। छतरपुर बुलडोजर एक्शन पर कांग्रेस बीजेपी के बीच जुबानी जंग शुरू हो गई है। दूसरी तरफ कांग्रेस विधायक आरिफ मसूद ने अपनी ही पार्टी के नेताओं की चुप्पी पर सवाल खड़े किए हैं। कहा कि जीतू पटवारी और उमंग सिंघार को आगे आना चाहिए, सरकार की मनमानी पर कांग्रेस चुप क्यों है? कांग्रेस की ऐसी नीति की वजह से ही पार्टी का प्रदेश में ये हाल है। पुलिस उनकी गिरफ्तारी करती, हम सहयोग करते, पुलिस वहां पर इस तरह का माहौल पैदा कर दिया कि जो उससे ज्यादा उपद्रवी से ज्यादा माहौल पुलिस ने खराब कर दिया कि अगर इस तरह हो गया। और उसके बाद एक मकान को, दूसरे मकान को टारगेट किया, 20,000 स्क्वायर फीट का बना हुआ मकान जिसकी अनुमति है, बैंक से लोन है, तमाम उसकी परमिशन है, उसको बिना कारण तोड़ दिया। मैं तो कांग्रेस के नेताओं को भी कहूंगा, जीतू पटवारी जी को और उमंग सिंघार को, कि उनको तत्काल आगे आना चाहिए, ये बुलडोजर संस्कृति के खिलाफ खड़े होना चाहिए। अगली खबर भोपाल से है, जहां वीडी शर्मा ने आरिफ मसूद पर पलटवार किया है। प्रदेश बीजेपी अध्यक्ष वीडी शर्मा ने कहा कि कानून धर्म जाति देखकर कार्रवाई नहीं करेगा, जो भी कानून को हाथ मिलेगा उस पर कार्रवाई होगी। यहां धर्म जाति क्षेत्र देखकर कार्रवाई नहीं होती, इमरान हो या आरिफ, जो भी कानून तोड़ेगा तो कार्रवाई होगी, दबाव में काम नहीं होगा और कानून तोड़ने वालों पर बड़ी कार्रवाई होगी। कानून कानून के तरह से काम करेगा। अगर कोई कानून अपने हाथ में लेगा तो वो किसी भी क्षेत्र का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो। यहाँ ये वेरिएशन नहीं होता है कि वो इस धर्म का है तो उसके खिलाफ एक काम कार्रवाई होगी और इसके खिलाफ कार्रवाई नहीं होगी। उन्होंने कानून को हाथ में लिया, दहशत फैलाने का प्रयास किया, तो ऐसे लोगों को किसी भी कीमत पर बख्शा नहीं जाएगा। और अगर प्रतापगढ़ी भी कानून हाथ में लेंगे या आरिफ मसूद भी कानून हाथ में लेंगे तो उनको भी ठीक करने में देर नहीं लगेगी। छतरपुर में बुलडोजर एक्शन को लेकर जारी राजनीति के बीच मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि कानून का जो उल्लंघन करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई होगी। सरकार का काम प्रदेश में शांति फैलाना है, सरकार असामाजिक तत्वों से निपटने में सक्षम है। तो शिक्षा की महत्ता उनने 5,000 सेले भी पहले भी बताई, इससे अच्छा सौभाग्यशाली अवसर कब रहेगा। गरीब अमीर की दोस्ती का सबसे बड़ा उदाहरण नारायण नाग धाम पे जहाँ कृष्ण सुदामा की दोस्ती स्थापित हुई, भगवान का रुक्मी से युद्ध हुआ, ये उनकी वीरता का प्रतीक अगर यहाँ स्थान है तो इसको अगर सबके सामने लाते तो गलत क्या है। इसी प्रकार से भगवान ने विनम्रता से, श्रद्धा से परशुराम जी से सुदर्शन चक्र जाना पाव में प्राप्त किया, तो ये हम सबका सौभाग्य है। भगवान कृष्ण की जन्माष्टमी के अवसर पर अगर उनको इन स्थानों को स्मरण नहीं करेंगे, हम मथुरा को क्यों स्मरण करते हैं? आपका नाम श्री कृष्ण का पर्यायवाची है, इसलिए मेरा कहना, हमारा कहना, मथुरा में अगर भगवान राम का, भगवान कृष्ण का जन्म हुआ और जन्माष्टमी ये धूमधाम से मनाते, ये कांग्रेस के लोग जाना छोड़ दें मथुरा।
छतरपुर पत्थरबाजी कांड पर बागेश्वर प्रमुख पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने बयान दिया। धीरेन्द्र शास्त्री ने कहा कि भारत संविधान से चलता है और ये राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है। निश्चित रूप से ये निंदनीय है, घोर निंदनीय है। कानून के रखवाले हमारी रक्षा करते हैं और हम उनको ही अगर असुरक्षित कर देंगे, उनके ऊपर किसी भी प्रकार का कृत्य करेंगे, इससे ये दर्शाता है कि अशिक्षा का भाव है। जो भी अशिक्षित होता है वो विवाद करता है, जो शिक्षित होता है वो संवाद करता है। दूसरी बात, इस देश में, हमारे भारत में सबके पूर्वजों ने संविधान को स्वीकार किया, तो संविधान के साथ साथ उस संविधान के कानून की रक्षा करने की जिम्मेदारी भी हम सबकी भी है। दूसरी बात, हम ये कहना भी चाहेंगे, भारत को कृपा करके भारत रहने दीजिए, इसे बांग्लादेश बनाने की कोशिश और श्रीलंका बनाने की कोशिश मत कीजिए। ये भारत है साहब, राम का राष्ट्र है, शांति का राष्ट्र है, यहाँ शांति से वार्तालाप किया जा सकता है। लेकिन पुलिस प्रशासन को धन्यवाद, उन्होंने सहनशीलता भी दिखाई और कृत्य करने वालों। भोपाल के विकास प्राधिकरण के पंजीयन शाखा में लोकायुक्त ने कार्रवाई की और क्लर्क टीएस रामदास को रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। नामांतरण के लिए क्लर्क ने 3 लाख की रिश्वत मांगी थी, लिहाजा पीड़ित ने इसकी शिकायत लोकायुक्त से की और 40,000 रकम लेकर क्लर्क को देने पहुंचा। पहले से मौजूद लोकायुक्त की टीम ने रिश्वत की 40,000 रकम के साथ क्लर्क को बीडीए के दफ्तर से गिरफ्तार किया। आवेदक है, आवेदक का नाम डिस्क्लोज नहीं करूंगी। आवेदक ने शिकायत की थी कि उनका मकान है रत्नागिरी में, जिसकी नवीनीकरण 2019 में होना था, तो लीज वाला है, लीज वाला मैटर है, तो लीज नवीनीकरण होना था, तो उनके मकान के लीज के नवीनीकरण के लिए बाबू टीसी दास द्वारा 3 लाख की डिमांड की जा रही थी कि 3 लाख रुपए दो तब मैं आपको रिन्यूअल करूंगा। जबकि इसके पहले उनके भाई ने एक मकान का रिन्यूअल कराया था, तो उस समय भी इन्होंने 3 लाख रुपए इनके भाई से ले लिए थे और रसीद सिर्फ 6,500 रुपए की दी थी। तो आवेदक ने शिकायत की थी, शिकायत का सत्यापन किया, सत्यापन करके आज आवेदक के पास जितनी व्यवस्था हुई 40,000 रुपए की, उत्तर लेके आया है और उनको हमने रिश्वत देते हुए रंगे। अगली खबर रीवा से है, जहां लोकायुक्त ने बड़ी कार्रवाई की है। बीओ कार्यालय का लेखपाल गिरफ्तार हुआ है, 50,000 की रिश्वत लेते ये लेखपाल पकड़ा गया। रिटायर्ड शिक्षक से रिश्वत मांगी थी, बिल पास करने के लिए 1.5 लाख रुपए की रिश्वत मांगी थी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, रीवा में लोकायुक्त की ये बड़ी कार्रवाई। बीओ कार्यालय का लेखपाल गिरफ्तार किया गया है, 50,000 की रिश्वत लेते लेखपाल पकड़ा गया है। रिटायर्ड शिक्षक से रिश्वत मांगी थी, बिल पास करने के लिए 1.5 लाख की रिश्वत मांगी थी। इंदौर के मऊ में चोरल रिवर रिजॉर्ट हादसे पर पुलिस ने मैनेजर मालिक के खिलाफ केस दर्ज कर लिया है। मैनेजर राहुल और मालिक विकास और विहाना पर केस दर्ज कर आगे की कार्रवाई कर रही है। हादसे में 5 मजदूरों की मौत हो गई है। तो 5 मजदूरों के हादसे में मौत हो गई थी, मैनेजर और मालिक के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। प्राथमिक जांच में पुलिस को लापरवाही पुलिस ने पाई है। ऐसे में रिजॉर्ट हादसे में पुलिस ने यह एक्शन किया है। इसमें निर्माणाधीन फार्म हाउस की छत गिरने से कई मजदूर दब गए थे, 5 की मौत यहां हो गई थी। पोकलैंड मशीन और जेसीबी की मदद से इनके शव बाहर निकाले गए थे। तो इंदौर के मऊ की तस्वीरें, जहां पर ये फार्म हाउस का निर्माण कार्य चल रहा था। अभी हाल ही में यहाँ एक कॉटेज में छत डाली गई थी, उसके नीचे ही श्रमिक सो गए और वहीं छत गिरने से हादसे का शिकार हो गए। वहीं खरगोन में कुंदा नदी पर बने पुराने पुल से एक लड़की ने कूदकर अपनी जान देने की कोशिश की, लेकिन मौके पर मौजूद कुछ युवकों ने ऐसा करता उसे देख लिया और अपनी जान की परवाह किए बगैर लड़की को बचाने के लिए नदी में कूद गए। डूब रही लड़की को इन लोगों ने सुरक्षित बाहर निकाला। लड़की को जिला अस्पताल में एडमिट कराया गया। बताया जा रहा है कि लड़की विष्टान रोड पर अपनी बहन के साथ रहकर पढ़ाई कर रही थी। नदी में छलांग लगाने की वजहों का पता नहीं चला।
वहीं मुरैना में बीजेपी पार्षद के बेटे की दबंगई सामने आई है। पार्षद मंडला मंडलेश्वर के बेटे ने विवाद के बाद दोस्त के घर के बाहर जमकर उत्पात मचाया। घटना का सीसीटीवी फुटेज सामने आया है। इसमें 4 से 5 लोग पत्थरबाजी करते नजर आ रहे हैं। बिल्कुल, एक वीडियो वायरल हुआ है। थाना प्रभारी कोतवाली के भी संज्ञान में वीडियो आया, मेरी उनसे भी बात हुई है। वो उसमें जांच कर रहे हैं। उसमें चूंकि ये जो लोग हैं पूर्व में भी कई झगड़ों में ऐसे रहे हैं, तो उसको एक बार उन लोगों को बुला करके इसमें अभी इसकी पुष्टि की जा रही है कि वास्तव में क्या हुआ है। वहीं बैतूल में 2 आदिवासी युवकों की पिटाई के मामले में पुलिस ने एफआईआर दर्ज कर ली है। मोहदा थाने में एफआईआर दर्ज की गई है। पिटाई का ये वीडियो वायरल हुआ है। वायरल वीडियो की जांच में पता चला कि दोनों आदिवासी युवक नसरुल्लागंज में अनाज की फैक्ट्री में काम करने गए थे। मजदूरी मांगने पर उन्हें पीटा गया और वीडियो भी बनाया गया। पुलिस केस डायरी को नसरुल्लागंज ट्रांसफर कर रही है ताकि आरोपियों पर आगे की कार्रवाई हो। सोशल मीडिया के माध्यम से एक वीडियो संज्ञान में आया जिसमें 2 युवकों को पिटाई की जा रही थी, तो इसमें त्वरित एसपी सर के माध्यम से त्वरित कार्रवाई करते हुए मोहदा थाने में। इंदौर में नशे का टैबलेट ना मिलने पर बदमाश ने मेडिकल शॉप पर तोड़फोड़ कर दी। मेडिकल संचालक पर हमला करने के लिए बदमाश चाकू भी लेकर आए थे। घटना चंदन नगर की है। नजमी मेडिकल स्टोर पर 2 बदमाश फरदीन और अरबाज पहुंचे और एक नशे वाली टैबलेट की मांग की। दुकान के संचालक ने टैबलेट ना होने की बात कही तो दोनों धमकाने लगे। बाद में यही दोनों दुकान पर पहुंचे और तोड़फोड़ शुरू कर दी। शिकायत पर केस दर्ज किया गया। आरोपी की तलाश पुलिस कर रही है। थाना चंद्रनगर में एक घटना सामने आई है जैसे फरियादी अकील अपने मौसी की लड़की के साथ मेडिकल स्टोर पर बैठा था, तभी 2 व्यक्ति आए, अरबाज और फलाला और फरदीन। इनके द्वारा ये बताया गया इनके द्वारा इनसे अल्फाजुलम टैबलेट की मांग की गई, जबकि उनके द्वारा मना कर दिया कि हमारे यहाँ कोई भी इस तरह की टैबलेट नहीं दी जाती है। इस बात पर से उनके द्वारा उसके साथ मारपीट की गई और जान से मारने की धमकी दी गई। इस पर से थाना चंद्रनगर में वीएनएस की धारा को तहत केस दर्ज किया गया, इन्वेस्टिगेशन किया गया। जबलपुर में नशे पर पुलिस ने नकेल कसते हुए नशीले इंजेक्शन की खेप को जब्त किया है, साथ ही 3 लोगों को अरेस्ट किया है। पुलिस के मुताबिक आरोपी नशे की खेप को बाजार में बेचने की फिराक में थे। इस बीच पुलिस को मुखबिर ने सूचना दे दी। दमोह नाका के पास ये 3 पुलिस को मिल गए, लेकिन पुलिस को देखकर भागने लगे। पुलिस ने घेराबंदी कर सभी को पकड़ लिया। सूचना मिली थी कि एक दमोह नाका जैन पेट्रोल पंप के पीछे कुछ लोग संदिग्ध वस्तु लिए हुए हैं। सूचना पर बल को रवाना किया गया और चेक किया गया, जहां पर मौके पर 3 व्यक्ति मिले जिनका नाम शैलेन ठाकुर, शिवम जायसवाल और मोहम्मद रफीक उर्फ बबलू वहां पर उपस्थित मिले। उनके कब्जे से एक लीजेसिक इंजेक्शन एम्पुल 1550 की क्वान्टिटी में 2 ml के और फिनेरामाइन इंजेक्शन 28 वायल कुल कीमती 48,000 रुपये जब्त किए गए और इनसे पूछने पर इनके पास कोई भी विधिवत दस्तावेज इनके पास नहीं मिले थे और प्रथम दृष्टया ये आपराधिक प्रतीत होने से इन 3 की गिरफ्तारी कर न्यायालय प्रस्तुत किया गया है और अभी अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। भोपाल में रुक रुक कर हो रही बारिश ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दी हैं। सड़कें लबालब हैं और लोगों को आने जाने में परेशानियां हो रही हैं। मौसम विभाग ने 2 दिन तक एमपी के कई जिलों में भारी बारिश को लेकर अलर्ट जारी किया है। तस्वीरें आप देख रहे हैं, राजधानी की सड़कों का ये हाल है। जरा सी बारिश में वहां जल जमाव हो गया और अभी अगले 2 दिन तो और बारिश हो सकती है। मौसम विभाग ने इसको लेकर पूर्वानुमान जताया है। और आइए अब देखते हैं टॉप 20।